हेलो एवरी वैन फर्स्ट ये आज थोड़ा हम सेलेबस को देखते हैं कि इम्यूनोलॉजी uh, में जो फर्स्ट यूनिट है वो वी इम्यून सिस्टम uh, ठीक है तो ये यूनिट ऑलमोस्ट वी हैव कम्प्लीटेड दिस यूनिट इसमें हमने जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी ठीक है ना ये चीज़ें एंड सेकेंडली द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम ठीक है ना मेनली जिसमें हमने डील की थी द सेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो इन्वॉल्व थे किसमें इम्यून सिस्टम में ठीक है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो विश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम और उसके साथ में हमने देखा था कि ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम ठीक है तो ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम में हमने मेनली जो प्राइमरी लिम्फाइट ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फाइट ऑर्गन है वो चीज़ें देखा था और उसके बाद है द प्रिंसिपल्स ऑफ इन्नीट एंड अडेप्टि इम्यून सिस्टम ठीक है ना तो इन्नीट एंड अडेप्टि इम्यून सिस्टम में मेनली क्या चीज़ें होता है ठीक है ना हमने देखा जो इेट इम्यून सिस्टम है ठीक है ना जो बाय प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना लेकिन उनका जो रेस्पॉन्ड होता है वो थोड़ा क्या होता है hmm. स्लो होता है बट एडेप्टिव रिस्पॉन्ड जो है ठीक है न सॉरी इन का जो है एक रैपिड रिस्पॉन्ड होता है अडेप्टि इम्यून रिस्पोंड का हमने देखा कि ये क्या है एक स्लो प्रोसेस है ठीक है ना और बट इनकी जो रिस्पॉन्स है वो आ, बहुत ही स्पेसिफिक होती है और लास्टली uh, हमने देखा हिमाटोपाइसिस ठीक है ना कि कैसे जो ब्लड सेल्स है ठीक है ना वो फॉर्म होता है जिस प्रोसेस से फॉर्म होते हैं दैट इज हिमेटोपाइसिस तो मेनली जो हेमेटोपाइसिस में हमने देखा जो हेमेटोपायटिक स्टेम सेल है जो बोन मेरो में फॉर्म होता है ठीक है बोन मेरो में फॉर्म होने के बाद ये डिफरेंट प्रोजेनेटर सेल्स में ये क्या हो जाता है डिवाइड होके मेनली लिम्फोइड इन द माइलाइड स्टेम सेल्स फिर उसके बाद वहाँ से हमारे डिफरेंट जो लिम्फोसाइट्स uh, lympho, हैं uh, जो माइलॉइड में हमारे आर बी सी आता है या डिफरेंट जो योसिनोफिल बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल uh, जो है ना वो सेल्स फॉर्म होते हैं ठीक है तो ये चीज़ें आया था हमारे फर्स्ट यूनिट में न सेकेंड यूनिट में अगर हम देखें इट मेनली डील्स विद द एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इसमें हमने पढ़ना है मेनली द एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस तो फर्स्टली uh, हम देखेंगे इसमें एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज uh, ठीक है ये ऑलरेडी हमने क्लास में uh, पढ़ा हुआ है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि हमने क्लास में जो देखा था कि मेनली क्या होता है ये वॉइस वॉइस शिफ्ट एक स्ट्रक्चर होता है ठीक है ना और जो इसमें एक ए, दो लाइट चेन और दो हेवी चेन होता है ठीक तो इसमें हमने जो कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन तो इसको मैंने क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को समझाया भी है तो फिर भी मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ इसके स्ट्रक्चर से ठीक है थीके? तो फर्स्टली हम इसमें एंटीबॉडीज़ को कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें एंटीजेंस तो एंटीबॉडीज़ में हमने इसमें मेनली इसके स्ट्रक्चर देखेंगे क्लासेस देखेंगे ठीक है यानी कितने टाइप्स हैं और उन अलग अलग टाइप्स के हम फंक्शंस देखेंगे ठीक फिर उसके बाद इसी के साथ में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये होता क्या है ठीक है फिर उसके बाद इसमें क्या है बी एंड द टी सेल्स और फिर उसके बाद एंटीजन के साथ हम डील करेंगे तो एंटीजन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड लास्टली एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन एज ए टूल फॉर रिसर्च डायग्नोसिस तो ये चीज़ें हमने सेकेंड यूनिट में कंप्लीट करना है ठीक है तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रक्चर ऑफ़ एंटीबॉडीज़ सो एंटीबॉडीज़ तो हम देखते हैं व्हाट इज़ एन एंटीबॉडी एंड इट्स स्ट्रक्चर ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ तो एंटीबॉडीज़ uh, uh, हमने देखा कि जो बॉडी में जो रेस्पॉन्ड होता है ठीक है ना वेन वेन एव जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है ठीक है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं जो रेस्पोंड होता है ठीक है इम्यून सिस्टम का अगेंस्ट दैट फॉरेन बॉडी और द फॉरेन पार्टिकल ठीक है ना यहाँ पे देखिए कोई भी जब फॉरेन बॉडी फॉरेन बॉडी यहाँ पे जो दिखाया हुआ है जब वो एंटर कर करेगी बॉडी में तो जो रेस्पॉन्ड होगी हमारे बॉडी में मेनली जो रेस्पोंड होगी वो Uh, दो तरह के होते हैं ठीक है ना टू टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है ठीक है फर्स्टली इज द फर्स्टली इज द ह्यूमरल रिस्पॉन्स यानी ह्यूमरल रेस्पॉन्स हो गया जिसमें क्या होता है मेनली uh, जो रेस्पॉन्ड होता है दैट इज़ बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ ठीक एंड सेकंड रेस्पॉन्स जो हमारे बॉडी में होता है दैट इज़ द सेलुलर रेस्पॉन्स यानी जो डिफरेंट सेल्स uh, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है ठीक है ना दैट प्लेज रोल इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म जब वो सेल्स अपना रोल प्ले करते हैं तो उस टाइप के रिस्पॉन्स को हम क्या कहेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स सो यहाँ पे आप देखिए जब भी ये फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर किया ठीक है ना सो द रिस्पॉन्ड इट मे बी द ह्यूमरल रिस्पॉन्स और द सेलुलर रिस्पॉन्स ठीक तो यहाँ पे आप देखें फॉरेन बॉडी के एंटर करने के बाद जो मैक्रोफेज है ठीक है ना द डेनरेटिक सेल यानी सॉरी मैक्रोफेज़, द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तो ये फॉरेन पार्टिकल जो है इसको फॉरेन पार्टिकल जो है दिस फॉरेन पार्टिकल जब ये बॉडी में एंटर करता है ठीक है तो इसमें जो हमारे सेल प्रेजेंट है दैट इज़ द मैक्रोफेज़, ये साइड ऑफ इन्फेक्शन पे आ जाता है ठीक है ये साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आने के बाद इस फॉरन पार्टिकल को ये क्या कर लेते हैं इंग, इंगल्फ कर लेते हैं ठीक है ना यानी बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस ठीक सो फिर उसके बाद ये मैक्रोफेज जो है ऑलरेडी इस मेकानिज़म को हमने पढ़ा हुआ है कि ये क्या करता है ये सेल को इन्गल्फ करने के बाद इसको प्रज़ेंट करते हैं बाई द एमएससी मॉलिक्यूल ठीक है थीके? ये जो मैक्रोफेज है ठीक है ना ये सेल इसने पहले एनगल्फ़ किया ठीक है ना इस फॉरेन पार्टिकल को जो आप अंदर देख सकते हो रेड कलरेशन में ठीक फिर उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग करते हैं ठीक है ना प्रोसेसिंग करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग करने के बाद एनगल्फ़ किया उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की फिर उसके बाद इसको प्रेजेंट किया कहाँ पे ऑन द सरफेस सरफेस पे यहाँ पे आप देखें प्रेजेंट किया हुआ है ठीक है विद द हेल्प ऑफ ये किससे करते हैं प्रेजेंट सरफेस पे जो एंटीजेनिक पैप्टाइट है उसको बाय बाय द एम एस सी मॉलिक्यूल दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस माइक्रोफेज ठीक है ना तो एम एमेश, एच एम एस सी सेकेंड से इसने जब रिप्रेजेंट किया तो ये किसको करेंगे टी टी हेल्पर सेल को ये इस एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे ठीक है ना तो टी हेल्पर सेल जब इसे अप्रोच करते हैं तो यहाँ देखें ये मैक्रोफेज जो है इसने प्रेजेंट किया कि इसको टी हेल्पर सेल को ठीक है ना फिर उसके बाद हम अभी देख रहे हैं रेस्पॉन्स किस तरह होती है ठीक है फिर उसके बाद हम देखते हैं एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर को ठीक है तो इस टी हेल्पर सेल को ठीक है इस मैक्रोफेज ने इस मैक्रोफेज ने क्या किया इस टी हेल्पर सेल को इस एंटीजन को प्रेजेंट किया ठीक है जो है जब इस टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट किया तो ये हेल्पर सेल जो है अगेंस्ट दिस फॉरन पार्टिकल ये क्या रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करती है ये प्रोड्यूस करती है साइटोकाइंस यानी साइटोकाइंस दिज आधा जो यहाँ पे आप देख सकते हो दिज ज़्यादा बर्ड साइटोकाइंस ये इन रिस्पॉन्स टू दिस एंटीजन इस एंटीजन के अगेंस्ट में ये क्या प्रोड्यूस करती है साइटोकाइंस ठीक साइटोकाइंस हो गया इम्यून रेगुलेटर्स जो क्या करेंगे मकानिजम को जो डिफेंसिव uh, मेकानिज़म को क्या करेंगे एक्सलेट करेंगे ठीक तो कहा, है? है, है तो ये साइटोकाइंस जब प्रोड्यूस किया तो ठीक है दिस साइटोकाइंस इनके एक्सेप्टर कहाँ रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है बी सेल पे प्रेजेंट है ठीक है बी सेल पे इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है तो ये साइटोकाइंस कहाँ पे इनके रिसेप्टर्स जब बी सेल पे है तो ये बी सेल के पास अप्रोच करता है ठीक है सो तो ये साइटोकाइंस जब बी सेल के पास आ जाता है वन इट गेट्स इन कंटेक्ट ठीक है ना विद दिस बी सेल तो ये बी सेल जो है वो प्रोलीफरेट होके फिर उसके बाद एंड डिफ्रेंशिएट इन प्लाज्मा सेल्स ठीक जब ये प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट हुआ तो ये प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे द एंटीबॉडीज़ ठीक है क्या प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज तो इस तरह की इस तरह की जो रेस्पॉन्स है हमारे बॉडी में जिसमें फाइनल जो रिजल्ट होता है उसमें क्या होता है प्लाज्मा सेल के थ्रू एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस हुआ ठीक है ना अगेंस्ट दिस एंटीजन तो ऐसे रिस्पॉन्स को जो हमारे बॉडी में होता है उसको हम क्या कहेंगे ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहेंगे ठीक है क्या कहेंगे ह्यूमरल रिस्पॉन्स नाउ सेलुलर रिस्पॉन्स में अगर हम देखते हैं ये फॉरन पार्टिकल बॉडी में एंटर किया ठीक है ना दिस अभी हम देखते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स ठीक है ये वाला सेलुलर रिस्पॉन्स ठीक तो सेलुलर रेस्पॉन्स में क्या हुआ सेम मेकेानिज़म कोई फ़ॉरन पार्टिकल बॉडी में एंटर किया ठीक है यहाँ से फ़ॉरन पार्टिकल बॉडी में एंटर किया हाँ दिस फॉरन पार्टिकल जब बॉडी में एंटर करता है ठीक है बॉडी में एंटर करने के बाद ये माइक्रोफेज साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुँचा फिर इसने इसको एनगल्फ करके सेम मकानिज़म एंटीजन को कहाँ किया प्रेजेंट ऑन द सरफेस ठीक है ना यहाँ पे एंटीजन को यहाँ प्रेजेंट किया इसने फिर उसके बाद ये एंटीजन को सरफेस पे प्रेजेंट करने के बाद इस एंटीजन को सी डी को क्या करते हैं इस सी डी को प्रेजेंट करते हैं ठीक है यानी हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट किया ठीक जब हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट किया तो ये हेल्पर टी सेल इन रिस्पॉन्स टू दिस एंटीजन इस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करता है ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती है ठीक है ये टी हेल्पर सेल ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती है ठीक तो ये साइटोकाइंस हमें पता है कि जो टी सेल होता है वो दो तरह के होते हैं ठीक है ना टी सेल जो है वो दो तरह के होते हैं एक टी एच सेल एंड सेकंड इज द टी सी सेल ठीक है ना सेकंड इज द टी सी सेल तो जो टी हेल्पर सेल वो अपना रोल प्ले कर रहा है ठीक है तो इस टी एच सेल ने जब साइटोकाइंस प्रोड्यूस की इस टी एच सेल ने साइटोकाइंस प्रोड्यूस की तो ये साइटोकाइंस के रिसेप्टर किस पे हैं टी सी सेल पे दैट इज़ ये वाला सेल क्या है टी सी सेल जिसको हम क्या कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल ठीक है तो ये साइटोकाइंस जब यहाँ से साइटोटॉक्सिक सेल के पास पहुँचे तो उसके बाद क्या हुआ ये साइटोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो क्या कर जाता है डिफ्रेंश uh, हो जाता है कि इन एक्टिव साइटोटॉक्सिक टी सेल ठीक है ना यानी जो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो एक्टिव हो जाता है ठीक है तो जब ये साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिव हो गया ठीक है ना एक्टिव साइटोटॉक्सिक टी सेल ठीक तो ये क्या करेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है अगर ये एंटीजन मान के चलते हैं ये इट इज़ एन वायरल एंटीजन और ये किस में है किस सेल के अंदर है ठीक है तो ये आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है ना इस सेल को और इसका मेन फंक्शन यही रहेगा कि इस सेल को क्या करेंगे डिस्ट्रॉय करेंगे ठीक है ना जो इसमें जो वायरस दैट इज इंट्रा है ठीक है तो वो उसको क्या करेंगे डिस्ट्रॉय करेंगे द बाई रिलीजिंग द परफोरिन एंजाइम एंड ग्रेन एंजाइम, ग्रेन एंजाइम एंड सेकेंडली क्या करेंगे रिलीज ग्रेन एंजाइम ठीक है जो परफोरिन एंजाइम है वो इसमें पोर्स क्रिएट करेंगे इस सेल में ठीक फिर उसके बाद इस तरह पोर्स क्रिएट किया फिर उसके बाद जो ग्रैन इंजाइम है ठीक है वो क्या करेंगे वो जाके इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे ठीक so, है सो दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्ड जिसमें क्या रहता है सेल का रिस्पॉन्ड रहता है मीन्स यानी इसमें जो सेल है वो अपना रोल प्ले करता है और इसमें कोई एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन नहीं होती है तो उस तरह के रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स ठीक है सो so, दे हमारे बॉडी में हमने देखा दो तरह के रिस्पॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय द इम्यून सिस्टम ठीक है ना जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर किया दैट इज़ द ह्यूमरल रिस्पॉन्स जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं सेकेंड इज़ द सेलुलर रिस्पॉन्स जिसमें सेल जो है वो अपना रोल प्ले करता है ठीक नाव अब आते हैं किस हम? Antibodies पे हम एंटीबॉडीज़ पे ठीक सो मेनली वी आर डीलिंग विद एंटीबॉडीज़ तो एंटीबॉडीज़ जो है सॉरी जो ये एंटीबॉडीज़ है ठीक है ना अभी हम देख रहे हैं मेनली द एंटीबॉडीज़ तो ये एंटीबॉडीज अगर हम न, देखते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ इसको दिस इज ऑल्सो नोन एज यूमिनोग्लोबिस्स ठीक है इसको हम क्या कहते हैं दिस आर ऑल्सो नोन एज यूमिनोग्लोबिन्स ठीक है रिप्रेजेंटेड बाय आईजी आईजी से ठीक है ना तो जब हम टाइप्स को देखते हैं क्या क्या होता है आईजीजी होता है ठीक है आईजीए होता है ठीक है ना आईजीएम होता है सो so, आई जी आई जी किस को करता है इमिनोग्लोबिन को ठीक है तो एंटीबॉडीज़ इज़ आल्सो नॉन एज इमिनोग्लोबिन जिसको हम प्रेजेंट करते हैं बाय आई जी ठीक सो so, ये इमिनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज दिस आर वन वन इन द सेम सेम थिंग तो ये इमिनोगलोबिनस होते क्या हैं दिस इमिनोगलोबिस ग्लाइकोप्रोटीन्स ये क्या होता है प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसमें uh, मेनली प्रोटीन कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है सो so, इमिनोग्लोबिन हम सिंपली कहेंगे क्या है ग्लाइको प्रोटीन है ठीक है ना जो दैट इज़ मेड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन ठीक है ना एंड कैन रिकोगनाइज एंड बाइंड टू दैट एंटीजन दैट कॉज इट्स प्रोडक्शन ठीक है सो so, इमिनोग्लोबिन होता क्या है इमिनोग्लोबिन जो है वो एक ग्लाइको प्रोटीन मॉलिक्यूल है ठीक है न वाई शेप स्ट्रक्चर का एक ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है ठीक है न जिसमें दो लाइट चेन हैं ठीक है, है ना और दो हेवी चेन है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन या ये इमिनोग्लोबिन ये, ये वो हमारे बॉडी में कब प्रोड्यूस होती है जब भी कोई एंटीजन जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है दिस इज़ द एंटीजन ठीक है दिस इज़ द एंटीजन ये हमारे बॉडी में एंटर किया ठीक तो ये एंटीजन बॉडी में एंटर करने के बाद हमारी बॉडी जो है इस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करेंगे एक एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेगी ठीक है ना सो ठीक तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी ये क्या करेंगे इस एंटीजन के रिस्पों रिस्पॉन्स में ये प्रोड्यूस हुआ फिर उसके बाद ये इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी और इसके साथ बाइंड करेंगे ठीक है ना बाइंड करने के बाद इसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे सो सिंपली व्हाट इज़ इमिनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ या इमिनोग्लोबिन होता क्या है ग्लाइको प्रोटीन होता है जो किसी एंटीजन के अगेंस्ट ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है uh, और इसका मेन फंक्शन यही रहता है कि वो उस एंटीजन को क्या करता है रिकॉग्नाइज करता है ठीक है ना और उस बाइंड कर जाता है उस एंटीजन के साथ में जिसने उसकी प्रोडक्शन की हो ठीक है ना तो एक स्पेसिफिक जो है एंटीबॉडी वो एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ में बाइंड करेंगे तो मेन फंक्शन अगर हम फंक्शन की बात करें तो क्या है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द माइक्रोबियल इन्फेक्शन ठीक है ना तो मेन काम क्या है कोई भी जो माइक्रोब जब बॉडी में एंटर किया ठीक है थीके? तो वो हमारे बॉडी में क्या करेंगे हमारी इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कराएंगे फिर उसके बाद एक इन्फेक्शन हमारे बॉडी में काज कराएगा तो इस एंटीबॉडी का काम होता है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दैट माइक्रोबियल इन्फेक्शन यानी जो एंटीजन बॉडी में एंटर करा क्या करने के लिए इन्फेक्शन करने के लिए तो वो अल्टीमेटली जब उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज़ करेंगे तो हमें इस इन्फेक्शन से क्या करेंगे बचाएंगे ठीक है तो मेनली इसका काम रहता है दैट इज़ द प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन ठीक सो मोइंग नेक्स्ट डीजा गामा ग्लोबलिन ठीक है ना ये क्या होता है डीजा द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल मोलिक्यूल ठीक है ना इसमें क्या होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स ठीक है जो कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है दैट जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो ग्लोबिन मेनली द गामा गाग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? और uh, ये सिंथेसाइज कौन करता है ठीक है ये सिंथेसाइज मेनली जो बी सेल से डिफ्रेंशिएट होता है हमारे प्लाज्मा सेल्स ठीक है वो इनको क्या करती है बी सेल्स मेनली द बी लिम्फोसाइट या बी सेल वो जब डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं में प्लाज्मा सेल में ठीक है प्लाज्मा सेल में जब वो डिफ्रेंशिएट होते हैं तो वो इन एंटीबॉडीज़ को क्या करती है इन एंटीबॉडीज़ को वो प्रोड्यूस करती है ठीक है तो मेनली आर सेंथिसाइड बाय द प्लाज्मा प्लाज्मा सेल्स ठीक है नाउ दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट ऑफ द टोटल सीरम प्रोटीन्स जो अगर हम सीरम में प्रोटीन की कंटेंट देखें तो दैट देख, uh, ये कितना इट मेनली ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट ऑफ सीरम प्रोटीन्स ठीक सो ये एंटीबॉडीज़ दे आर मेनली प्रेजेंट ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है इन सेरम में प्रेजेंट होता है ठीक है ना जो ब्लड में हमने देखा था ब्लड uh, में जो प्लाज्मा कंटेंट होता है ठीक है और सेल uh, कंपोनेंट्स होता है तो उस प्लाज्मा में या सेरम में जो है ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है टिश्यू फ्लूड्स में होता है और म्यूकोजल सरफेस में प्रेजेंट होता है ठीक है ना एंड आल्सो ऑन द सरफेस ऑफ द बी सेल जो हमने सेल्स देखें उनके सरफेस पर भी ये प्रेजेंट होते हैं किस लिए दैट एक्टेज इन एंटीजन रिसेप्टर वहाँ पे ये एंटी एंटीजन रिसेप्टर के तौर पे काम करता है ठीक है नाउ अब मेनली हमारा मेन uh, चीज़ जो हमने देखना है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी ठीक है ना तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी अगर आप सिंपली यहाँ देखो तो क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जो है इट इज़ ए फर्स्टली ये क्या है एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है ठीक है ना फर्स्टली ये क्या है इट्स ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर ठीक है ना वाई की तरह है ठीक है सो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर और इसमें इट इज़ मेनली कम्पोज ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन ठीक है ना मेनली ये किसका बना होता है पॉली फोर पॉलीपेप्टाइड चेन का चेन का बना हुआ है ठीक वन टू थ्री फोर ये जो चेन है ठीक है ना लाइट चेन जिसको हम देखते हैं येलो वाला जो है वो लाइट चेन है और जो रेड कलर में है दैट इज़ द दी चेन तो ये एंटीबॉडी जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड पॉलीपैप्टेंस ठीक है फोर पॉलीपेप्टाइड पॉलीपैप्टेंस यानी जो uh, जो ये चेन है दैट इज मेनली मेडअप ऑफ द पेप्टाइड यानी प्रोटीन से बना प्रोटीन ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो मेनली इट इज मेड अप ऑफ पैप्टाइड मॉलिक्यूल्स ठीक है मेनली इसमें क्या प्रेजेंट होगी एमाइनो एसिड्स सो इसमें क्या है फोर पॉलीपेप्टाइड चेन है और सेकेंडली इसमें क्या है जो फोर पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है उसमें दो आइडेंटिकल लाइट चेन है ठीक है और दो आइडेंटिकल हेवी चेन है यानी जो लाइट चेन दोनों हैं वो क्या है आ, वो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है ठीक है न सिमिलर है और जो हेवी चेन दोनों हैं यानी जो रेड कलर से दिखाया है वो दोनों भी क्या है बिल्कुल आइडेंटिकल है ठीक है ना और अगर हम इनकी मोलिकुलर वेट की बात करें तो लाइट चेन जो है वो लाइट चेन की जो मोलिकुलर वेट है दैट इज़ नियरली अबाउट ट्वेंटी फाइव किलो डाल्टन और हेवी चेन की जब हम बात करें तो दैट इज़ नियरली फिफ्टी टू सेवेंटी थ्री किलो तो हमने ये चीज़ क्लास में भी देखा था जो हेवी चेन और लाइट चेन है ठीक है ना यानी जो लाइट चेन येलो कलर में है और जो हेवी चेन रेड कलर का है दे आर लिंक्ड बाय द दा डाई सेल्फाइड बॉन्ड ठीक है ना तो इसमें अगर हम जब भी बॉन्ड की बात करें तो जो हेवी चेन और लाइट चेन है वो किससे बॉन्ड है ठीक है वो है डाई सेल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है ठीक है ना यहाँ पे भी आप देख सकते हो ठीक है जो ब्लू कलर का है वो क्या है दैट इज़ द डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट विथ इन द बिटवीन द हेवी चेन इन द लाइट चेन ठीक है ना और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो हमेशा इस तरीके से आप देख सकते हो ठीक है ना डाई सल्फा दो सल्फा होंगे तो मेनली नॉन एज द डाईसल्फाइड बॉन्ड फिर उसके बाद है जो लाइट चेन्स हैं सिमिलर इन ऑल द इमिनोग्लोबिन्स हाँ ये एक चीज़ याद रखें कि जो लाइट चेंस हैं हमारे पास जो अलग अलग क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमिनोग्लोबिन वी हैव दैट इज़ आई जी जी है ठीक है आई जी जी एम है आई जी एम है ठीक है ना आई जी जी है आई जी ए है डी है ई है ठीक है न तो उनमें जो लाइट चेन है दैट इज़ सिमिलर इन ऑल द इमिनोगलोब जो लाइट चेन है ठीक है ना दिस फोन वो सारे इमिनोग्लोबिन में सिमिलर है ठीक है और लाइट चेन जो है दैट ऑकर इन टू वराइटीज़ ठीक है ना हमने उस टाइम भी देखा था अगर हम इसमें देखते हैं कि कौन सा जो कांस्टेंट रीजन है ठीक है ना कांस्टेंट रीजन उसमें मेनली अगर हम लाइट चेन को देखें तो उसमें ए, दो वैराइटीज होंगे कांस्टेंट रीजन में इट में बी इधर कापा कप्पा सॉरी इट में भी इधर कप्पा और लैमडा ठीक है ना या कप्पा होगा या लेमडा होगा बट निबो ठीक है ना या जो लाइट चेन होगा इट मे बी ऑफ वैरायटी की बात करें तो या कप्पा होगा इसमें ठीक है दोनों सिमिलर होंगे ठीक है या क्या होगा या लैमडा चेन लैमडा होगा ठीक है बट लेकिन कभी भी लैमडा और गप्पा इस तरह साथ में नहीं होगा ठीक है ना दोनों चेन या कप्पा होगा या लैमडा होगा बट नेवर भी कप्पा एंड लैमडा ठीक है ना फिर उसके बाद कप्पा चेन साहब मोह फ्रीक्वेंटली फाउंड ठीक है ना और कप्पा और लैमडा में अगर हम कंपेयर कम्पार करें कंपैरिजन करें तो मेनली क्या होता है जो कपा चेंस वो लाइट चेन में लाइट चेन में लाइट चेन फॉर्म करते हैं ठीक है ना और हेवी चेन में अगर हम बात करें ठीक है तो हेवी चेन दैट इज़ मेनली फॉर्म ऑफ जो हेवी चेन है ठीक है ना अब हेवी चेन हमने देखा लाइट चेन जो है वो कपाया लेमडा वाइटी का होता है लेकिन जब हम हेवी चेन की बात करते हैं इसमें फाइव डिफरेंट टाइप ऑफ वराइटीज़ होते हैं जैसे मेनली अल्फा होता है ठीक है अल्फ़ा है ठीक है गामा है ठीक है या डेल्टा है या म्यू है या एपस्ट्रॉन है ठीक है ना ये लाइट चेन ठीक है ना आर दिजा बट दीजा आर द हेवी चेंज ठीक है ना जिसके बेसिस पे हम इमिनोग्लोबिन्स को क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं ठीक है ना तो अगर जैसे मान के चलो गामा है ठीक है ना अगर हेवी चेन गामा है तो उस टाइम पे हम उस इमिनोग्लोबिन को क्या कहेंगे आईजी जी कहेंगे ठीक है तो उसी तरह अगर अल्फा है तो ठीक है आई ए कहेंगे ठीक है ना अगर हेवी चेन डेल म्यू होगा ठीक है ना आई एम होगा तो उस टाइम पे जो इमिनोग्लोबिन होगा आई होगा ठीक तो इसी तरह फाइनली uh, अगर एप्सिलॉन होगा तो वो इमिनोग्लोबिन जो है दैट इट मे बी आई ठीक है ना तो दिस आर व्हाट ऑन द बेस ऑफ कॉन्सटेंट रीजन ऑफ दिस हैवी चेन हम इमिनोग्लोबिन के क्लासिफिकेशन uh, करते हैं एज आई जी जी आई जी एम आई जी डी आई जी ई एंड लास्टली द आई जी ठीक है नाउ वन आई जी कंटेन वन टाइम लाइट चेन एंड वन टाइप ऑफ हैवी चेन ठीक है तो एक इम्यूनोग्लोबिन में तो मेनली एक इम्यूनोग्लोबिन में जब हम देखते हैं स्ट्रक्चर को तो उसमें क्या होता है उसमें वन टाइप ऑफ लाइट चेन एक तो लाइट चेन होगा उसमें ठीक है ना और सेकंड जो टाइप होगा वो क्या होगा हीवी चेन होगा ठीक है लाइक दिस ठीक है ना ये स्ट्रक्चर है ठीक है ना ही चेन और लाइट चेन नाउ Uh, अब हम इसकी स्ट्रक्चर में अब जब हम थोड़ा सा डेप्थ uh, में जाते हैं व्हेन वी एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंटीबॉडी तो हमें इसमें मेनली दो चीज़ें ठीक है ना दो रीजनस हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं हम देख सकते हैं ठीक है ना दैट इज़ जो दो रीजन है वो क्या है जिसको हमने नाम दिया है दैट इज़ द वेरिएबल रीजन इन द कॉन्स्टन रीजन ठीक है वेरिएबल रीजन इन द कॉन्सटेंट रीजन ठीक सो वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन ये आ, हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल रीजन से ठीक जो लाइट चेन यहाँ पे आप देखें जो लाइट चेन एंड हैवी चेन है ठीक है दे आर सब डिवाइडेड टू वेरिएबल इन द कॉन्सटेंट रीजन ठीक सो so, जब हम हैवी चेन को देखते हैं या लाइट चेन को देखते हैं ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो हेवी चेन यहाँ पे है ये क्या है लाइट चेन यहाँ पर प्रेजेंट है और ये क्या है दिस इज़ हेवी चेन ठीक है तो दिस इज़ द हेवी चेन एंड दिस इज़ द लाइट चेन ऑफ दिस एंटीबॉडी जिसको हम अभी देखते हैं तो जब हम इन लाइट और हेवी चेन को जब हम एनालाइज़ करते हैं तो क्या होता है इट कंटें इसमें क्या है एक एमाइनो टर्मिनल है ठीक है ना एंड एक कावगजी टर्मिनल है ठीक है ना ठीक यहाँ पे जब हम इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं किसको इस एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर को तो इसकी एक साइड में क्या है एक एमाइनो टर्मिनल है यहाँ पे एक एमाइनो टर्मिनल है ठीक है और कार्बोक्सी टर्मिनल है ठीक है ये वाला दो एंड्स है एक पे एमाइनो एमाइनो एक एमाइनो एंड है और दूसरा क्या है कार्बोक्सी एंड है ठीक है ना और जो एमाइनो टर्मिनल है वो वेरिएबल रीजन में लाई करता है ठीक है और जो कांस्टेंट रीजन है वो कहाँ पे लाई करता है इन कार्बोक्सी टर्मिनल जो है वो कांस्टेंट रीजन पे तो ये चीज़ आपको शॉर्ट में याद रखना है कि इसमें दो रीजन होता है वन इज़ द वेरिएबल रीजन एंड अनदर इज़ द कॉन्स्टेंट रीजन अब वेरिएबल रीजन जो है वो क्या होता है जब भी हम इस एमाइनो टर्मिनल से जब हम देखें जब भी इस एमाइनो टर्मिनल से हम जब एनालाइज करें किसको इस स्ट्रक्चर को एंटीबॉडी की ठीक है ना तो वेरिएबल रीजन इस एमाइनो टर्मिनल से स्टार्ट होता है ठीक है तो ये यहाँ से वेरिएबल रीजन जो है एन टर्मिनल से ये एक्सटेंड होता है ठीक है ना इस तरीके से ठीक है नियरली अबाउट हंड्रेड टू वन हंड्रेड टेन एम आइनो ठीक है ना हंड्रेड टू वन हंड्रेड एम आइनो तक ये चीज़ें क्या करता है एक्सटेंड करता है ठीक है जब इस एमाइनो टर्मिनल से हम देखें ठीक है ना तो इसमें क्या होंगे एम एसिड्स प्रेजेंट होंगे ठीक है ना इस तरीके से इसमें क्या होंगे एमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे तो जब हम यहाँ से एम टर्मिनल से देखें तो इसमें क्या है जो अमाइनोसि है वो क्या करता है वेरी करता है ठीक है ना यानी अमाइनो एसिड सिक्वेंस इन दिस रीजन इज़ हाईली वेरिएबल जो इसमें ठीक है ना ये हो गया कांस्टेंट ये हो गया अमाइनो टर्मिनल ठीक है ना ये ये हम कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला ठीक है ना ये वाला स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं एन यहाँ पे लिखा हमने तो यहाँ से जब हम देखते हैं इस लाइट uh, चेन में या हैवी चेन में क्या है इसमें अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है ठीक है ना जो क्या है दैट हाईली वेरिएबल है ठीक है ना वो एक जैसा नहीं बल्कि कांस्टेंट नहीं वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है तो इसीलिए हम इस रीजन को क्या कहेंगे वेरिएबल रीजन ठीक है ना यहाँ पे येलो से डिनोट किया हुआ है ठीक अब जैसे जैसे हम चलते आए कहाँ से एन टर्मिनल से वर्ड्स वर्ड जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ से जब हंड्रेड एम एसिड्स या हंड्रेड टू वन हंड्रेड टेन एम आइनो हम देखते हैं वहाँ तक क्या होता है जो एमाइनो एसिड्स है वो काफ़ी वेरी करता है <laughs> लेकिन जब हम यहाँ से देखते हैं आफ्टर वन हंड्रेड टेन एम आइनो जब हम यहाँ से देखते हैं तो ये जो एमो एसिड्स है वो क्या होता है उनकी वेरिएशन जो है वो कम हो जाती है ठीक है ना वेरिएशन यहाँ से वेरिएशन जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो कम हो जाता है ठीक तो इसीलिए हम उस रीजन को क्या कहते हैं कांस्टेंट रीजन ठीक है ना एक वेरिएबल रीजन हो गया दूसरा क्या हो गया एक कांस्टेंट रीजन तो जब आप इस इमेज को देखो जो येलो वाला पोर्शन है एमाइनो टर्मिनल से एन टर्मिनल से हमने देखा तो वो क्या है दी ज्यादा वेरिएबल रीजन आप फिर उसके बाद जो ब्लू कलर यहाँ पे आप देख सकते हो दिज आवर्ट दी ज्यादा और यहाँ से क्या हो जाता है जो अमाइनो एसिड्स की वेरिएबलती है वो कम हो जाता है और इस रीजन को हम क्या कहेंगे कांस्टेंट रीजन कहेंगे ठीक है कांस्टेंट रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंड ऑफ वेरिएबल रीजन वेरिएबल रीजन के एंड से ये एक्सटेंड करता है टू सी टर्मिनस सी टर्मिनस की तरफ ठीक है एंड एमाइनो एसिड सिक्वेंट इस रिलेटिवली कॉन्सटेंट ठीक है तो यहाँ से जब हम देखते आते हैं वेरिएशन जो है वो कम हो जाता है और जो ब्लू कलर आप देख रहे हो यहाँ पर ठीक है ना तो वहाँ से जब वेरिएशन बिल्कुल कम हो जाता है तो वहाँ से क्या हमारा कॉन्सटन रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है ठीक